डियर स्टूडेंट्स, कल हमने थ्री क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि राजा अपने तीन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है और अपने तीन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वह एक साधु के पास गया। क्या राजा को अपने तीन प्रश्नों के उत्तर मिल पाते हैं या नहीं, हम देखते हैं सेकंड पार्ट। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा मुड़ा और राजा ने उनकी तरफ एक दाढ़ी वाले आदमी को दौड़ते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबाया हुआ था। From which blood was flowing, और उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह आदमी बेहोश हो गया। Fainted means बेहोश हो, lost consciousness and fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit, king राजा and the hermit साधु, राजा और साधु। The king and the hermit removed the man's clothing, राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे। And found ए लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, फाउंड में होता मिलना, और उन्हें उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव मिला। राजा और साधु को उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव मिला। द किंग वास्ट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, वास्ट मीन धोना, कवर्ड मीन ढकना। राजा ने इस घाव को धोया और अपने रुमाल से इसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन पट्टी करना, रीड्रेस्ड मीन दोबारा पट्टी करना। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, वुंड मीन घाव, अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक वह घाव रुक नहीं गया, जब तक खून का बहना रुक नहीं गया, राजा उसके घाव के ऊपर दोबारा पट्टी करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी ने कुछ अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पानी के लिए, पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा स्वच्छ पानी, साफ पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और ये पानी उस आदमी को दे दिया। बाय द टाइम द सन हैड सेट, और अब तक सूर्य छिप चुका था, इस समय तक सूर्य छिप गया था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, और राजा साधु की सहायता से उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आई, द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, टायर्ड मीन थका हुआ, बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, लेट डाउन ऑन द फ्लोर। राजा जो चलने के कारण और जो काम उसने किया था उसके कारण थक गया था, और
ले डाउन ऑन द फ्लोर, इस कारण वह जमीन पर लेट गया। अपनी यात्रा के कारण और जो कार्य उसने दिन में किया था उसके कारण राजा थक गया था, इस कारण वह जमीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वह सारी रात सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember. When he awoke means होता है जगना। It was several minutes before he could remember. Remember means याद आना। Remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. और जगने पर कुछ मिनट तक राजा को ये याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है और वह दाढ़ी वाला अजनबी आदमी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वो कौन है। फॉरगिव मी, सैड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, धीमी आवाज में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा मुझे माफ कर दें। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जग गया है। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king, राजा ने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और इसमें माफी देने का कोई कारण ही नहीं है। You do not know me, but I know you. उस घायल आदमी ने कहा आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ, who swore revenge on you, जिसने तुमसे बदला लेने की सौगंध खाई थी। Because you put my brother to death. Put to death mean होता है किसी की हत्या करना। Because you put my brother to death, क्योंकि तुमने मेरे भाई की हत्या की थी। And seized my property, और मेरी संपत्ति को कब्जा लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit, मैं ये बात जानता था कि तुम उस साधु से मिलने अकेले गए हो। And I made up my mind to kill you On your way home, और मैंने यह निश्चय कर लिया था कि जब तुम वापिस घर जाओगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। But the day passed, लेकिन दिन बीत गया। And you did not return, और तुम वापिस नहीं लौटे। So I left my hiding place, इसलिए मैं जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से चल दिया। And came upon your bodyguard, और तुम्हारे अंगरक्षक के हाथ लग गया। Who recognized me, जिसने मुझे पहचान लिया। Recognize मीन पहचानना। Who recognized me, तुम्हारे अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया। And wounded me, और मुझे घायल कर दिया। Wound मीन होता है घायल करना। Wounded me, I escaped from him, मैं उससे बच निकला। But I should have died if you had not dressed my wound. But I should have died if you had not dressed my wound. यदि तुमने मेरे घाव पर पट्टी न की होती तो मैं मर जाता। I wish to kill you, मैं तुम्हें मारना चाहता था। And you have saved my life, और तुमने मेरे जीवन को बचा लिया है। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant. अब यदि मैं जीऊँगा तो मैं एक बहुत ही वफादार नौकर के रूप में तुम्हारी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माय सन टू डू द सेम, और मेरे पुत्रों को भी मेरे बेटों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि
उसका इतनी आसानी से उसके शत्रु से सुलह हो गया था एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने अपने मित्र के ऊपर और उसने उसे एक मित्र के रूप में जीत लिया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने न केवल उसे माफी दी बट सैड लेकिन कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वह अपने नौकर भेजेगा और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि वह उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर आ गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और चारों तरफ साधु को देखने लगा, साधु को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर, विश्ड मीन चाहना, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले उसने एक बार और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की इच्छा की। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स, बेड्स मीन क्यारियां, नीज मीन घुटने। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग मीन बीज बोना, सोविंग सीड्स मीन बीज, सोविंग सीड्स इन द बेड्स, साधु घुटनों के बल नीचे होकर क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले ही खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास गया एंड सेड और कहा फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी आखिरी बार मैं आपसे प्रश्नों के उत्तर जानने की प्रार्थना करता हूँ। You have already been answered, said the hermit. साधु ने कहा तुम्हें पहले से ही उत्तर दे दिए गए हैं। Still bending down to the ground, वह अभी भी जमीन पर झुका हुआ था। And looking up at the king as he stood before him, और ऊपर राजा की तरफ देख रहा था क्योंकि राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मेरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया गया है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने उत्तर दिया क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि कल तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती। यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो यह आदमी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम फिर यह इच्छा जाहिर करते काश मैं वहां ठहरा रहता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरी भलाई करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।
आफ्टरवर्ड्स इसके बाद व्हेन द मैन रेन टू अस इसके बाद व्हेन द मैन रेन आफ्टरवर्ड्स द व्हेन द मैन रेन टू अस इसके बाद जब आदमी वह आदमी हमारी तरफ दौड़ा आया द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम और सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुमने उसकी देखभाल की। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू क्योंकि यदि तुम उसके घाव पर पट्टी नहीं करते तो वह मर जाता और तुम्हारा उससे समझौता भी नहीं होता सुलह भी नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन फिर याद रखो देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ कि केवल एक समय होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट क्योंकि यही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हमारे अंदर कुछ कार्य करने की ताकत होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय वही होता है जो तुम्हारे साथ होता है। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर क्योंकि और दूसरा कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स कि हम किसी से मिल पाएंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की भलाई करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन क्योंकि हम इस संसार में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भेजे गए हैं।